गाइस ये देखो यार, मेरे पीछे है ना यहाँ पे छोले भटूरों की स्टॉल है, फिर भी यार मेरे को यहाँ पे रोना पड़ रहा है। तुमको क्या बताऊ गाइस, मेरे साथ क्या हुआ, यहाँ पे देखो यार मोहब्बत पान पार्लर पे है ना, मैं शीहल को मेरे साथ घुमाने लेकर आया था, क्योंकि शीहल को है ना यहाँ पे यार इंडियन स्वीट्स ट्राई करनी थी। तो मैं जैसे ही उतर के यहाँ पे है ना शीहल को गोलगप्पे खिलाने के लिए ये लारी पे खड़ा लेकर आया, वैसे ही पता नहीं ये है ना गोरिल्ला ग्रोड कहाँ से आ गया और उसने बोला फ्रैंकलिन की गर्लफ्रेंड शीहल को तो मैं मेरी गर्लफ्रेंड बनाना चाहता हूँ, फ्रैंकलिन तू तो बचेगा नहीं। और उसने यार जोर से है ना शीहल को घूसा मार के बेहोश कर दिया और मुझे भी है ना घूसा मार के गिरा दिया और शीहल को वो किडनैप करके लेके चला गया। अगर शीहल मेरी नहीं हो सकती तो किसी की भी नहीं होने दूंगा मैं तो भाग रहा हूँ यहाँ से, बाय बाय। ऐसा बोल के उसने शीहल को अपने प्लेन पे लोड कर दिया। अरे फ्रैंकलिन माय हीरो, मुझे बचाओ गोरिल्ला ग्रोड से। फ्रैंकलिन तुम्हें कभी भी नहीं बचा पाएगा, वो तो एक वीकेस्ट हल्क है अभी, जब तक वो अपना हल्क का मीटर भर के खुद को एक स्ट्रॉन्गेस्ट हल्क में अपग्रेड नहीं कर पाता वो मुझे नहीं हरा पाएगा। फ्रैंकलिन मुझे बचाओ वरना है ना ये मुझे किडनैप करके ले जा रहा है, मैं हमेशा इसकी बंदी बन के रहूंगी। ये देखो मैं तो यहाँ पे शी हल्क को लेके जा रहा हूँ गोरिल्ला ग्रोड के प्लेनेट पे, फ्रैंकलिन तो मुझे कभी नहीं हरा सकता क्योंकि वो एक वीकेस्ट हल्क है, बाय बाय फ्रैंकलिन। फ्रैंकलिन बचाओ मुझे प्लीज। गाइस मेरी शी हल्क को उठा के ले गया ये, पर देखो गाइस यार मैं यहाँ पे हार नहीं मानूंगा, शीहत को मोहब्बत का पान और यहाँ पे देखो यार मोमोज छोले भटूरे यहाँ पे गोलगप्पे सब कुछ खिला के मानूंगा। ये देखो गोरिल्ला ग्रोड जाते जाते मुझे चैलेंज करके गया था कि मुझे है ना मेरा स्ट्रेंथ मीटर एकदम से बढ़ाना पड़ेगा जिससे अभी मैं एक वीकेस्ट हल्क से एक स्ट्रॉन्गेस्ट हल्क में बन जाऊँ जिससे मैं उसे लड़ाई करके हरा सकूँ। उसको ऐसा लग रहा है कि मैं ये नहीं कर पाऊंगा, पर उसे यहाँ पे बतानी है कि चिंटू गोलगप्पे के गोलगप्पों में कितनी पावर है। अरे चिंटू भैया ये आंटी को छोड़ो, मुझे सबसे ज्यादा तीखा वाला गोलगप्पा दो। अरे भैया अभी लाइन लग रही है। अरे कोई लाइन नहीं लग रही, ये देखो आपकी पूरी लाइन को मैंने साफ कर दिया। और मेरे को क्यों मार रहा, मैं तो गोलगप्पे खा भी नहीं रहा। अरे आंटी नीचे रहो। अरे मैं गोलगप्पे खा के जाऊंगी, मेरे को भूख लग रहा है। अरे बाद में खा लेना चिंटू भैया, जल्दी से गोलगप्पा लगाओ यार मेरे को। अरे फ्रैंकलिन भैया मेरे को एक घुसंड मार दी तुमने, ये लो यार ये सारे गोलगप्पे खा लो, तुम्हारे अंदर बढ़िया हल्की पावर आ जाएगी। ओके गाइस यार ये देखो यहाँ पे तीखा तीखा पानी वाला सारा गोलगप्पे खा लेता हूँ जिससे मैं एक बढ़िया सा हल्क बन जाऊंगा। नम 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 नम। अरे हाँ हाँ गाइस ये देखो यार ये चिंटू पान वाले क्या चिंटू गोलगप्पा वाले के मैंने पकौड़िया खाई तो अपग्रेड हो गया। फ्रैंकलिन बोला था ना मैं बहुत ही ज्यादा खतरनाक पकौड़ी बेचता हूँ, चल अब जल्दी से जाके अपनी शीहल को बचा ले। हाँ हाँ गाइस देखो मुझे जल्दी से मेरा मीटर भरना पड़ेगा, गाइस उसमें तुम भी मदद कर सकते हो, जल्दी से वीडियो को लाइक कर दो और कमेंट सेक्शन में कोई भी खाने की चीज की इमोजी डाल दो, पिज्जा पास्ता गोलगप्पे मोमोस कुछ भी डाल दो और उनको खा के मैं जल्दी से मेरी स्ट्रेंथ बढ़ा के मेरा स्ट्रेंथ मीटर बढ़ा दूंगा। तो जल्दी से कमेंट कर दो यार, मैं चलता हूँ खुद की पावर को बढ़ाने के लिए जिसे शीहल को बचा सकूं, चलो लेट्स गो। तो गाइस देखो तुम्हारे साथ साथ है ना यहाँ पे लेजेंडरी वुकोंग भी मेरी मदद कर रहे हैं शीहल को बचाने में। अरे मेरे प्यारे फ्रैंकलिन, अगर तू चाहता है शीहल को बचाना तो तुझे बनना पड़ेगा बहुत स्ट्रॉन्ग और सयाना। उसके लिए देख तुझे ये खाना पड़ेगा स्पेशल अपग्रेड वाला मशरूम, इसको अगर तूने खा लिया ना तो तू बहुत ही जल्द अपग्रेड हो जाएगा। वाओ ये मशरूम खा के मैं अपग्रेड हो सकता हूँ, पर गाइस ये देखो ये मशरूम तो ये बिल्डिंग की टॉप पे पड़ा हुआ है और ये बिल्डिंग की टॉप पे जाने का एक ही रास्ता है कि मैं ये वाला जो है ना सारे प्लेटफॉर्म्स है इनके ऊपर से कूद कूद के यहाँ पे पहुंचूं। हां फ्रैंकलिन तुझे यही करना पड़ेगा, चल शुरू हो जा जल्दी जल्दी से यहाँ पे जाता हूँ। चलो चलो गाइस ये देखो ये पहला जंप मारा और यहाँ पे मैं पहले प्लेटफॉर्म पर आ चुका हूँ। अच्छा यार वहाँ पे मैंने गोलगप्पे खा के खुद को एक छोटे हल्क में अपग्रेड कर लिया था, वरना यहाँ पे जो इतने बड़े बड़े जंप करने पड़ रहे, अरे बाबा रे कर ही नहीं पाता। अरे मुंह के बल गिरा हूँ गाइस और अभी तो सिर्फ सेकंड प्लेटफॉर्म तक आया हूँ। चलो चलो कोई बात नहीं, सेकंड प्लेटफॉर्म तक भी पहुंच गया हूँ ना, और ये देखो यहाँ पे जंप करके तीसरे प्लेटफॉर्म पे आता हूँ। अरे बाबा रे फिर से मुंह के बल गिर गया। अरे बाबा रे और थोड़ा सा आगे चला जाता तो यहाँ पे पूरा क्रॉस ही होके मैं नीचे चला जाता। कोई बात नहीं यहाँ पे मैं जा रहा हूँ। और ये देखो गाइस अभी सिर्फ मुझे एक और प्लेटफॉर्म पे जाना है, फिर मैं बिल्डिंग के ऊपर पहुंचने वाला हूँ। ये देखो यहाँ पे जंप मारा और ये देखो गाइस मैं जंप करना धीमे धीमे सीख रहा हूँ यार, ये बार मैं मुंडी के बल नहीं गिरा। अरे फ्रैंकलिन लास्ट जंप है, कर लेगा ना? हाँ 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 कर लूंगा। ये देखो जंप मारा मैंने और ये देखो बिल्डिंग के ऊपर जा रहा हूँ। आयो ये देखो मैं तो यार ये प्लेटफॉर्म के ऊपर नहीं जा पाया। कोई बात नहीं यार, एक लाइफ तो और मिलेगी मुझे। यहाँ पे देखो गया फिर से मुंह के बल गिरा। गाइस देखो यार मैंने इनफ है ना जंप नहीं किया था। यहाँ पे देखो यार यहाँ पे मैं जाऊंगा और यार जोर से यहाँ पे जंप लगाऊंगा, मैं शीहल्क में आ रहा हूँ तुम्हारे लिए। और ये देखो गाइस यहाँ पे मैं पहुंच गया। तुम अभी मेरी साइज ध्यान रखना यार, कितना छोटा सा हल्कू। और जैसे ही अपग्रेड का मशरूम खाता हूँ, नम 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 नम
नम नम नम नम नम नम नम। ओ माय गॉड गाइस, ये देखो यहाँ पे मैं एक कितना खतरनाक हल्क बन चुका हूँ यार। और ये देखो एक सबसे बढ़िया बात बताओ ये वाले हल्क की, यहाँ पे देखो यार मैं चाहूँ ना तो ये वाला हल्क के सूट का इस्तेमाल करके मैं हवा में भी उड़ सकता हूँ, मेरे विंग्स आ चुके। अरे वाह फ्रैंकलिन, विंग्स आ चुके, जल्दी से अब अपनी शी हल्क को बचाने के लिए उड़ के चला जा। हाँ गाइस चलो चलो, अभी तो मेरा मीटर फुल नहीं हुआ, अगर मुझे है ना गोरिल्ला ग्रोड को हराना है तो मुझे मेरा मीटर फुल करना पड़ेगा जल्दी से, लेट्स गो। ओ गाइस देखो यार मेरे पास यहाँ पे एक अपॉर्चुनिटी है एक नहीं दो दो अपग्रेड मशरूम्स खाने के लिए। अरे फ्रैंकलिन प्लीज हमारी मदद कर दो, ये पीछे जो बत्तूरा सा हल्क सिंगर है यहाँ पे इतने बड़े बड़े स्पीकर लगा के गाने गा रहा है। मैं हूँ बड़ा ताकतवर, मेरा गाना है बहुत सुरीला। जैसा कि तुम सुन सकते हो इसका गाना बिल्कुल भी सुरीला नहीं है, और ये बड़े बड़े स्पीकर लगा के पूरी सोसाइटी के लोगों को परेशान कर रहा है, पूरे लॉस सैंटोस के लोग रो जाएंगे अगर इसका गाना सुनना पड़ा तो। मेरी आवाज सुन के लोग हो जाते हैं मदहोश। मदहोश का पता नहीं, बेहोश पक्का हो जाएंगे। ठीक है मैं तुम्हारी मदद करूंगा, ये चारों स्पीकर को उठा के फेंक देता हूँ, पर उसके बदले में तुम्हें मुझे ये अपग्रेड के मशरूम्स देने पड़ेंगे। हाँ फ्रैंकलिन बिल्कुल मदद करो हमारी। ओके गाइज ये देखो यार ये वाला जो हल्क है ना ऐसे बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, लेगो हल्क दिख रहा है, पर इसके पास बहुत पावर है तो थोड़ा सा ना बच बुचा के मुझे जाना पड़ेगा। चलो यहाँ पे गाना गा रहा है ना उतने टाइम में मैं यहाँ पे साइड में से स्टेज के ऊपर चढ़ जाता हूँ। मैं हूँ जियान। अरे हाँ तू जियान है यार, इसके स्पीकर की इस तरफ तो मेरे से खड़ा भी नहीं रहा जा रहा, इतना गंदा गा रहा है। चलो कोई बात नहीं, देखो यहाँ पे है ना मैं स्टेज पे तो चढ़ चुका, अभी तक तो इसने मुझे नोटिस नहीं किया है। मेरा गाना है बहुत सुरीला। हाँ बहुत सुरीला है। चलो अभी यहाँ पे देखो, चलो गाइज यहाँ पे देखो यार मैं मेरी पावर एक्टिवेट करी है, और यहाँ पे ना ये पूरा स्पीकर का स्टैक मैं उठा लेता हूँ और इसको उठा के यहाँ पे चाइना के बाहर फेंक देता हूँ। अरे ये स्पीकर का स्टैक तो आगे नहीं जा रहा। अरे ये हल्क क्या कर रहा है मेरे स्पीकर्स के साथ। अरे कुछ नहीं इसको सर्विसिंग में लेके जा रहा हूँ। चलो इसको यहाँ पे दूर लेके जाता हूँ, स्पीकर बहुत भारी है, आई थिंक मेरी पावर लेवल इतनी ज्यादा बड़ी नहीं है कि स्पीकर्स को दूर फेंक सकूँ। अरे एक सेकंड रुको, ये क्या हो रहा है यहाँ पे, मेरे स्पीकर को क्यों लेके गए तुम हल्के हाथ से। अरे सर जी वो सर्विसिंग के लिए लेके जाने पड़ेंगे, वो स्पीकर फट रहे थे, आपकी इतनी सुरीली आवाज थी ना खराब हो जा रही थी, फिर सब लोगों को लगता कि आप एक खराब सिंगर हो। अच्छा ऐसी बात है क्या, चलो कोई बात नहीं, अभी देखो यार मेरे बाकी के स्पीकर को बिल्कुल भी टच मत करना, अगर तुमने इनको टच किया तो पूरी दुनिया को मेरा गाना कैसे सुनाई देगा और उनको एंटरटेनमेंट कैसे मिलेगा। हाँ वापिस से गाना चालू करो। मैं हूँ जियान। अरे फ्रैंकलिन जल्दी से यार इसके स्पीकर फेंको, हमारे कान फाड़ देगा ये। हाँ चिंता मत करो, ये देखो यार ये हल्का भी वापिस से गाना गाने में एकदम मशगूल हो गया है ना, तो देखो इसके पास वाले स्पीकर ने ये वाला जो स्पीकर का स्टैक है ना इसको मैं उठा के फेंक देता हूँ। ये देखो इसको उठाया मैंने और ये हिट करके फेंक दिया। अरे ये स्पीकर ठीक रहे क्यों नहीं है, कोई बात नहीं रुको यार इसको है ना मैं यहाँ पे साइड में ले जाता हूँ जो इनका ब्लूटूथ डिस्कनेक्ट जाएगा, और इनको यहाँ पे फेंक दूंगा। ये देखो फोड़ी दिए मैंने इसके स्पीकर्स को। चलो वापस स्टेज पे जाके छुप जाता हूँ यार, ये है ना सिंगर को पता नहीं चलना चाहिए कि मैंने इसके दो और स्पीकर डिस्ट्रॉय कर दिए। चलो अरे यहाँ पे स्टेज के भी छुप जाता हूँ गाइस जल्दी से मैं जाके, जिससे ना किसी को भी मेरे ऊपर शक ना हो। अरे ये क्या हो गया, मेरी गाने की वॉल्यूम कैसे कम हो गई। अरे ये यहाँ पे इतने सारे स्पीकर थे वो कहाँ चले गए यार। अरे ये किसी ने स्पीकर तोड़ चुरा तो नहीं लिए, मेरे स्पीकर गायब हो रहे यार, मेरे गलत बात है, ये वाले स्पीकर सर्विसिंग में चले गए और ये वाले स्पीकर है ना गायब हो गए। और कोई बात नहीं, मैं माइक में और चिल्ला के गाऊंगा मैं हूँ जियान। गाइस ये तो इनका गाना तो टॉर्चर है यार, मैं ऐसे सहन नहीं कर पाऊंगा, मुझे जल्दी से ना यहाँ पे जाना पड़ेगा ये अंकल के पास। अंकल मेरी बात सुनो। अरे फ्रैंकलिन क्या हो गया, ये देखो यार मैंने है ना दो स्पीकर तो डिस्ट्रॉय कर दिए चार में से, मुझे है ना दो में से एक मशरूम अभी दे दो जिससे मैं अपग्रेड हो जाऊँ, और एक बार मैं अपग्रेड हो गया ना तो फिर मैं इसके स्पीकर्स को डायरेक्ट स्टेज पे फोड़ दूंगा क्योंकि मैं इतना स्ट्रांग हो जाऊंगा। अच्छा ठीक है, तो तू एक मशरूम खा सकता है अभी क्योंकि तूने दो स्पीकर डिस्ट्रॉय कर दिए। चलो परमिशन मिल गई। ओ माय गॉड गाइस ये देखो मेरे को एक और अपग्रेड मिल गया यार, मैं तो और ही ज्यादा खतरनाक हैंडसम और हैंडसम हल्क बनता जा रहा हूँ। अरे फ्रैंकलिन अब हमको छुटकारा दिलाओ इससे। अरे हाँ तुम चिंता मत करो, ये देखो मैं यहाँ पे जाता हूँ और यहाँ पे ना पीछे से डायरेक्ट स्पीकर पे अटैक करके स्पीकर को ही फोड़ दूंगा मैं। ये देखो गाइस मैं यहाँ पे थोड़ा सा पीछे छुप जाता हूँ और यहाँ पे ना ये स्पीकर पे लेजर मार देता हूँ जिससे ना ये स्पीकर पूरे फूट जाए। अरे ये क्या हो रहा है, मेरी वापस से आवाज क्यों कम होती जा रही है स्पीकर की। ओ गाइस फूट गए स्पीकर, जल्दी से वापस से यहाँ पे पीछे छुप जाता हूँ मैं। अरे ये देखो ये मेरे स्पीकर्स में तो आग लग गई, कौन मेरी सुरीली आवाज से जल रहा है यार कि जो मेरे
स्पीकर को डैमेज करता जा रहा है। अब मुझे और ज्यादा जोर से गाना पड़ेगा क्योंकि मेरे पास सिर्फ एक ही स्पीकर का सेट बचा है। मैं हूँ जियान, मैं हूँ बड़ा ताकतवर, ये स्पीकर के बाजू में ही गाना गाऊंगा मैं, जिससे कोई भी इसे चुरा ना पाए या डिस्ट्रॉय ना कर पाए। गाइज ये तो मुश्किल वाला काम हो गया। कोई बात नहीं, देखो अभी है ना एक तीर से दो निशाने मारने का टाइम आ गया है। यहाँ पे देखो मैं मेरा मोलोटोव निकालूंगा और यहाँ पे है ना ये स्पीकर के ऊपर भी मोलोटोव मार दूंगा, जिससे स्पीकर भी डिस्ट्रॉय हो जाए और यार ये साथ ही हल्क के ऊपर भी आग लग जाएगी। अरे लोग मेरे से चल के मेरे में आग लगा रहे हैं, कुछ भी कर लो मैं गाना गाऊंगा, मैं हूँ। ओ गाइज ये देखो यार इसका भी भरमा फ्राई बना दिया और ये स्पीकर भी जला दिए मैंने। फ्रैंकलिन थैंक यू, तुमने फाइनली हम सबको यार ये पागल सिंगर से बचा लिया और इसके सारे स्पीकर डिस्ट्रॉय कर दिए, उसके लिए मैं तुम्हें बहुत बहुत थैंक्स बोलना चाहता हूँ। ये लो यार अब तुम ये वाला मशरूम भी खा सकते हो। ओ माय गॉड थैंक यू अंकल जी, यार चलो जल्दी से इसको खा लेता हूँ। ओ माय गॉड गाइस ये देखो यहाँ पे दो मशरूम खाने के बाद अभी तो मैं स्ट्रॉन्गेस्ट हल्क के बहुत करीब आ चुका हूँ। ये देखो मुझे नया है ना एमेडियस हल्क का सूट मिल चुका है। फ्रैंकलिन मुझे बचा लो, ये गोरिल्ला ग्रोड ने मुझे जबरदस्ती अपनी गर्लफ्रेंड बना रखा है। शी हल्क तुम चिंता मत करो, अभी मैं जल्दी से स्ट्रॉन्गेस्ट बन जाने वाला हूँ। फ्रैंकलिन स्ट्रॉन्गेस्ट बनने का क्या फायदा है, अभी तक तो तूने सिर्फ मशरूम खा के खुद की पावर बढ़ाई है, असली में रियल वर्ल्ड में कुछ करके बताए तो माने। ये देख मैंने तेरे सामने एक चैलेंज बनाया है, तू अगर ये चैलेंज भी कंप्लीट नहीं कर पाएगा तो मुझे क्या हराएगा। ये देख यहाँ पे मैंने लॉस सैंटोस की बहुत सारी अलग अलग तरह की साइज की गाड़ियाँ लगा रखी है, अगर तू इन सबको उथल फुथल करके यहाँ से फेंक पाएगा तो मैं मानू की तू इतना स्ट्रॉन्ग है की तू मेरे से लड़ाई करके अपनी प्यारी शी हल्क गर्लफ्रेंड को बचा पाएगा। ओ माय गॉड गाइस ये देखो गोरिल्ला ग्रोड ने मेरे को एक चैलेंज दिया है की मुझे यहाँ पे अलग अलग साइज सारे व्हीकल्स को उठा के फेंकना पड़ेगा। यहाँ पे देखो सबसे पहले छोटे छोटे है ना फोर व्हीलर्स है, उसके बाद मिस्टर बीन की गाड़ी, फिर छोटी सेडान्स, उसके बाद यार धीमे धीमे बड़ी होती हुई स्पोर्ट्स कार, ट्रक और बड़ी ट्रक और बड़ी ट्रक, मॉन्स्टर ट्रक, उसके बाद है ना जायंट साइज की ट्रक्स, और उसके बाद ये देखो है ना ये माइनर्स ट्रक्स, और यहाँ पे डंप आ गए, और उसके बाद तो यहाँ पे इतने सारे अवेंजर के प्लेन भी है, उसके बाद वापस से मिट्टी से भरे हुए इतने बड़े डंप, और लास्ट में इतनी बड़ी गैलेक्सी सुपर यॉट को मेरे को उठा के दिखाना पड़ेगा। फ्रैंकलिन कर ही नहीं पाएगा ये मुझे पता है। फ्रैंकलिन यू कैन डू इट, करके बचाओ इसको। ओ माय गॉड गाइस ये देखो अब तो गोरिल्ला ग्रोड ने मुझे बहुत गुस्सा दिला दिया। यहाँ पे देखो ये जो सारी छोटी साइज की गाड़ियां है ना इनको तो मेरे को उठाने की जरूरत भी नहीं है, ये देखो इनके ऊपर से तो मैं सिर्फ चल के जाऊंगा ना उतनी देर में ये सारी गाड़ियां उड़ जाएगी। और रुको गाइस यार ये देखो ये सारे रस्ते से हट नहीं रही, मेरे को बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा है। गोरिल्ला ग्रोड मेरी गर्लफ्रेंड को वापस लौटा दे मेरे पास। ये देखो यार मैंने यहाँ पे सुपर रेज मोड एक्टिवेट कर लिया है और यहाँ पे दौड़ता दौड़ता ही मैं सारी गाड़ियों को है ना खराब कर दूंगा। फ्रैंकलिन मुझे लगा था उससे ज्यादा स्ट्रांग है, यहाँ पे देखो ये सारी छोटी गाड़ियों को तो इसने सिर्फ टच करके ही है ना उड़ा दिया, और ये देखो ये वाली गाड़ियों को तो कितनी आसानी से दूर फेंक पा रहा है। पर फ्रैंकलिन अभी यहाँ पे आगे बहुत सारी गाड़ियां बाकी है। अरे जितनी भी गाड़ियां बाकी हो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, ये देखो यार इन सब लोगों को मैं कितनी आसानी से उड़ा पा रहा हूँ। फ्रैंकलिन ये तो सारी छोटी छोटी गाड़ियां है, आगे जब बड़ी गाड़ी आएगी तब रियल चैलेंज होगा। अरे हाँ गाइस ये देखो यार यहाँ तक तो अभी तक तो जितनी भी गाड़ियां है ना थोड़ी छोटी साइज की है। आई एक भी गाड़ी को मैं छोड़ूंगा नहीं, शी हल्क में आ रहा हूँ। फ्रैंकलिन तुम तो कितनी ज्यादा स्ट्रांग हो गए हो मेरे लिए। अरे हाँ बहुत स्ट्रांग हो गया हूँ शी हल्क, तुम चिंता मत करो ये गोरिल्ला ग्रोड को लड़ाई में मैं आराम से हरा दूंगा। पर गाइस देखो यार ये गोरिल्ला ग्रोड के सामने मैं बोल नहीं रहा, ये देखो ये थोड़ी बड़ी वाली गाड़ियां और ये ना इनके सामने तो मुझे थोड़ी तकलीफ हो रही है, मुझे यार वापस से खुद को थोड़ा सा पावर अप करना पड़ेगा। फ्रैंकलिन मैं देख सकता हूँ कि बड़ी गाड़ियों के साथ तुझे प्रॉब्लम हो रही है, इनको तुझे एक एक करके उठा के फेंकना पड़ रहा है। अरे हाँ तो क्या हुआ, एक एक करके उठा के फेंकना पड़ रहा है तो शी हल्क के लिए मैं कुछ भी करूंगा। ये देख ये वाली गाड़ी तो ज्यादा दूर भी नहीं गई, ये तो सिर्फ यहाँ पास तक गई है। अरे पास तक नहीं गई दूर तक गई कुछ फर्क नहीं पड़ता, मैंने यहाँ से तो हटा दी ना। ये देखो गाइस ये मेरा मजाक उड़ा रहा है, मुझे एक और बार अपना रेंज बूस्ट एक्टिवेट करना पड़ेगा। शी हल्क तुम्हारे लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ। ये देखो गाइस यहाँ पे मैंने रेंज बूस्ट एक्टिवेट किया ना तो यहाँ पे सारी गाड़ियां यहाँ पे हिल गई, और ये देखो यार मैं एक बार यहाँ पे है ना जंप करता हूँ ना तो यार धरती की जितनी भी गाड़ियां आती है वो एक ही बार में हिल जाती है, इतने बड़े बड़े माइनर के ट्रक से ये भी हिल जा रहे। अरे बाप रे ये कैसे कर रहा है फ्रैंकलिन, इतनी तो शक्ति हो नहीं सकती इसमें। अरे क्यों नहीं हो सकती, शी हल्क को बचाने के लिए मेरे में शक्ति आ गई है। तुझे शी हल्क को किडनैप नहीं करना चाहिए था, मुझे बस उसको यार यहाँ पे मोहब्बत पान पार्लर पे लेके जाना था, छोड़ूंगा नहीं गोरिल्ला ग्रोड के बच्चे मैं तुझे। पर अभी भी आगे बहुत सारे चैलेंजिंग टास्क है फ्रैंकलिन, मुझे पता है तो उनको कंप्लीट नहीं कर पाएगा।
जैसे कि ये बड़े बड़े डंप को उठाना। अरे नहीं 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 नहीं, देखो यार मैंने यहाँ पे पावर अप कर लिया है, ये डंप वंप सबको उठा दूंगा मैं। ये देख रहा हूँ, ये उठा के फेंका और यहाँ पे देखो एक को उठा के फेंका, उसके साथ साथ तीन अपने आप चले गए। ये तो प्रॉब्लम हो रही है। अरे तेरी हुई 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 निकालने वाला हूँ। ये देखो एक और ये डंप का ट्रक है, इसको भी निकाल के फेंका। और उसके पीछे पीछे देखो यार यहाँ पे है ना जितने भी अवेंजर के प्लेन थे वो भी गए। और ये छोटा सा ट्रक तो अब मेरे लिए कोई चैलेंज नहीं है। और गाइस देखो टाइम आ चुका है एक और रेज बूस्ट को एक्टिवेट करने का। यहाँ पे मैं जाऊंगा। अरे ये थोड़ा सा ज्यादा आगे चला गया, ज्यादा पावर निकाल ली ये ट्रक्स के बीच में। एक बार ग्राउंड स्मैश किया तो देखो यार ये उड़ के चले गए। अभी मैं यहाँ पे अपना रेज बूस्ट एक्टिवेट करूंगा, ये प्लेन तो सिर्फ उसी से यहाँ पे रस्ते से हट जाएंगे। आगे वाले प्लेन नहीं हटा पाएगा फ्रैंकलिन। अरे हटा दूंगा। ये देखो यार दौड़ के आऊंगा और इनके ऊपर थड़ाऊंगा, ये उससे फूट जाएंगे और यहाँ पे रेस ट्रैक में से हट जाएंगे। अब गाइस देखो यार मेरे को यहाँ पे सिर्फ पीछे से दौड़ के आना पड़ेगा और मैं एक और मेरा तगड़ा रेज बूस्ट निकालता हूँ। एक और रेज बूस्ट निकालूंगा मैं, उसके बाद है ना डायरेक्ट है ना इनके अंदर जाऊंगा और वो गैलेक्सी सुपर यॉट तक पहुंच के ये है ना गोरिल्ला ग्रॉड को बता दूंगा कि उसको लग रहा है मैं उतना कमजोर नहीं हूँ। फ्रैंकलिन यू कैन डू इट। अरे हाँ हाँ मुझे पता है मैं कर सकता हूँ शीहल। चलो गाइस यार यहाँ पे देखो लास्ट का चैलेंज है ये, मैंने ये कर दिया तो प्रूव हो जाएगा कि मैं गोरिल्ला ग्रॉड से अभी लड़ाई कर सकता हूँ। ये देखो मैंने मेरा रेज मोड एक्टिवेट कर लिया है और यहाँ पे है ना मैं फुल स्पीड में दौड़ता जाऊंगा इस सारी ट्रक्स को हिलाने के लिए। और माय गॉड गाइस ये देखो मैंने इतनी ज्यादा पावर जनरेट कर ली ना कि एक साइड की तो सारी ट्रक्स को मैंने हिला दिया। अब वापस से यार यहाँ पे दौड़ता हुआ जाऊंगा और ये देखो यार ये मैंने और पावर जनरेट करके यहाँ पे सारी दूसरी ट्रक्स को भी हिला दिया। अब सिर्फ और सिर्फ मुझे ये गैलेक्सी सुपर यॉट को अपने कंधों पे उठाना है और इसको दूर फेंकना है। ये देखो ये उठा के मैंने फेंका और ये देखो ये पूरी जो गैलेक्सी सुपर यॉट थी ये भी फेंक दी मैंने। अरे ये फ्रैंकलिन तो बहुत स्ट्रांग हो गया है, मैं ये सहन नहीं कर सकता, मुझे इसकी जल्द से जल्द पिटाई लगा के आनी पड़ेगी वरना ऐसे तो ये बहुत स्ट्रांग हो जाएगा और शी-हल्क को छीन लेगा मुझसे। फ्रैंकलिन के बच्चे तू बचेगा नहीं, अभी तू काफी भले स्ट्रांग हो गया है पर तू गोरिल्ला ग्रॉड के आसपास भी नहीं है। अरे 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 ये गोरिल्ला ग्रॉड तो देखो गाइस यहाँ पे नीचे आ गया। ये ले तुझे ये वाली ट्रक में फेंकूंगा और मारूंगा, ये ले उठा के फेंक दिया। ओ माय गॉड गाइस ये देखो गोरिल्ला ग्रॉड ने तो मुझे कैसे खिलौने की तरह फेंक दिया यहाँ पे। फ्रैंकलिन मैंने बोला ही था जब तक तेरा मीटर स्ट्रांगेस्ट नहीं हो जाता तू मेरे से नहीं लड़ सकता, चलो शी-हल्क मेरे साथ चलो। नहीं ये फिर से मुझे किडनैप करके लेके जा रहा है, फ्रैंकलिन बचा लो मुझे। आई 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 गाइस देखो यो गोरिल्ला ग्रॉड ने तो मुझे कितनी आसानी से दूर फेंक दिया। मेरे को तो लगा था मैं ये वाले सूट के साथ उसको हरा पाऊंगा पर नहीं नहीं नहीं, मुझे सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट मीटर अपना फुल करके उसको हराना पड़ेगा। और मुझे पता है मेरे को मेरा स्ट्रॉन्गेस्ट मीटर फुल करने के लिए कहाँ जाना है। चलो गाइस चलते हैं वहाँ पे जल्दी से। तो गाइस ये देखो मैं यहाँ पर आ चुका हूँ, मेरा स्ट्रेंथ मीटर बढ़ा दे। ये देखो एक ही लास्ट अग्नि परीक्षा है जो मुझे देनी पड़ेगी यार खुद को सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट बनाने के लिए। यहाँ पे देखो एक बहुत ही ज्यादा तगड़ा रैम चैलेंज है, अगर मैंने इसको सॉल्व कर लिया ना तो फिर यार मेरी पावर प्रूव हो जाएगी कि मैं सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट हूँ। तो आओ चलो गाइस बिना किसी देरी के चैलेंज को शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं मेरी हॉट व्हील की गाड़ी पे बैठ जाता हूँ। यार अरे बाप रे कैमरा बहुत चला दूर चला गया। ओ माय गॉड गाइस अभी मैं आउट हो जाता, कोई बात नहीं यार यहाँ पे एक बार कैमरा को सही कर लेता हूँ, अभी यहाँ पे से आगे चलाने लगता हूँ। यार ये मैंने हॉट व्हील वाली गाड़ी ले तो ली। चलो चलो गाइस ये देखो यार ये वाले येलो प्लेटफॉर्म से अभी यहाँ पे रेड प्लेटफॉर्म पे चलना है, रेड प्लेटफॉर्म पर आ गए, अभी यहाँ पे मुझे जल्दी से ब्लू प्लेटफॉर्म पे जाना है। अरे गाइस ये देखो जल्दी से मैं ऊपर आ गया वरना वापस से आउट हो जाता। अभी देखो यार ग्रीन प्लेटफॉर्म पे जाना था, एक पहिया यहाँ से भी उतर गया था, कोई बात नहीं चलो 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 चलते। अभी यहाँ पे देखो यार ये वाली ब्रिज पर मैं आ चुका हूँ। फ्रैंकलिन जल्दी आओ ये गोरिल्ला ग्रॉड मुझे खा जाएगा। तुम मेरी गर्लफ्रेंड हो, मेरा खाना नहीं, तुम्हें खाने के लिए नहीं लेकर आया हूँ। अरे रे 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 ये देखो ये क्या हो गया, मैं तो यार यहाँ पे है ना ये गाड़ी से नीचे गिर गया। गाइस देखो मेरे दिमाग में एक आइडिया आया है, यहाँ पे ना गाड़ी चलाने के बदले में दौड़ के चैलेंज को क्रॉस कर लेता हूँ ना, भले थोड़ा टाइम ज्यादा लगेगा पर गाड़ी चलाना वैसे भी ज्यादा मुश्किल होता है दौड़ने से, तो मैं जल्दी से यहाँ पे चला जाता हूँ। अरे बाप रे ये है ना अगर विंडमिल मुझे उड़ा देता ना तो पक्का बच जाता, क्योंकि गाड़ी के साथ होता हूँ ना तो मैं वापस पीछे भी आ पाता हूँ, पर यहाँ पे तो है ना गाड़ी के बिना तो मैं एक ही बार में उड़ के डूचू हो जाता। चलो चलो कोई बात नहीं, यहाँ पे देखो आगे चलते, यहाँ पे मैं यहाँ पे आगे जा रहा हूँ और ये वाला जो बॉल है इसको जोर से पंच मारूंगा। अरे पंच ही नहीं लग रहा इसको, अरे ये स्टंट मारने क्यों लग गया यार, मेरे सूट में खराबी हो गई। कोई बात नहीं यार ये देखो, अरे फिर से स्टंट मारने लग गया है, सूट में माल फंक्शन हो रहा है, मैं उधर गाड़ी पे से गिर गया था ना। कोई बात नहीं गाइस मुझे सिर्फ मैं ना मेरे नेक्स्ट प्लेटफॉर्म तक पहुंचना है, पर यार यहाँ पे मैं ये रैंप जंप कैसे करूंगा यार, मेरे पास तो कोई गाड़ी नहीं है, मुझे बहुत जोरदार जंप लगाना पड़ेगा। आई 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 ये क्या हो गया। ओ माय गॉड गाइस ये देखो
मेरे को तो हेल्प मिल गई। वो है ना विंड मिल के है ना चप्पू ने मुझे हवा में उड़ा दिया। इसके लिए यहाँ पे मुझे हाइट एडवांटेज मिल गया। अभी है ना मैं यहाँ से है ना खोल के यहाँ पे स्विंग करके डायरेक्ट आगे जा सकता हूँ और यहाँ पे लैंडिंग कर सकता हूँ। ये देखो मुझे नहीं लगा था यार मेरी किस्मत इतनी अच्छी है। कोई बात नहीं, चलो अब यहाँ से मुझे नेक्स्ट ट्रक पकड़ना पड़ेगा। कौन सा वाला ट्रक लू? आई थिंक गाइस ये लिबरेटर वाला ट्रक लेना चाहिए, सबसे ज्यादा बेस्ट है। नहीं 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 फ्रैंकलिन ये सबसे खराब है, इसको मत ले। अरे देखो अभी गोरिल्ला ग्रॉड ने बोल दिया ना ये सबसे ज्यादा खराब है, तो मैं समझ चुका हूँ कि एक्चुअली में सबसे ज्यादा अच्छा ट्रक ही होगा, क्योंकि यार ये नहीं चाहता कि मैं अच्छा वाला ट्रक लूँ और है ना और शीहल को बचाओ। इसके लिए देखो मैं आगे जा रहा हूँ। उड़े बाबड़े, ये देखो यार ये लिबरेटर ट्रक को है ना इसने उड़ा दिया था। और यहाँ पे देखो यार इसका कलर भी चेंज हो गया, मैंने तो नोटिस ही नहीं किया। आई थिंक ये रेनबो वाला ट्रक है। कोई बात नहीं कोई बात नहीं, ये देखो यार यहाँ पे एक और चप्पू से बचना है। अरे बापरे यार ये विंड मिल से तो बचना काफी ज्यादा मुश्किल टास्क हो रहा है। रुको 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 रुको, यहाँ पे एकदम परफेक्ट टाइमिंग करनी पड़ेगी। अरे नहीं 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 नहीं, ओ ओ बच गया बच गया बच गया बच गया। गाइस चलो यार यहाँ पे भी सारे पत्थर के ऊपर से मुझे ये ट्रक को निकालना पड़ेगा। अरे चल 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 चल, ये देखो ऑलमोस्ट चढ़ गया चढ़ गया चढ़ गया चढ़ गया चढ़ गया। और ये देखो अभी चढ़ जाएगा। ये देखो यार इसका एक पहिया चढ़ गया और ये देखो इसका दूसरा पहिया भी चढ़ गया। चलो यार मेरा बढ़िया काम हो गया, अभी सिर्फ ये वाले पत्थर पे चढ़ाना है। अच्छा है मैंने ये लिबरेटर ट्रक लिया था। ये देखो दूसरे पत्थर पे भी काफी अच्छे से चढ़ गया। अभी मेरे को ये गाड़ी को टर्न मारना है, ये चप्पू से बचना है। अरे बाप रे बच ही नहीं पाता यार, मेरी टाइमिंग एकदम खराब है। ओए ओए इसने मुझे उड़ा दिया हवा में। कोई बात नहीं गाइस, मैं अपनी गाड़ी को बैलेंस करके कहीं ना कहीं तो लैंड करवा सकता हूँ। ये देखो ये आदमी के हाथ पे लैंड करवा दूंगा ना तो मैं मेरी ट्रक को वापस से ना ऑन कोर्स ले आऊंगा। ओ माय गॉड गाइस यार एपिक सेव कर रहा हूँ मैं तो। अरे ये फ्रैंकलिन तो कितना स्किल ड्राइवर है, मुझे तो लगा था कि हवा में गिरने के बाद ये पक्का आउट हो जाएगा, पर ये तो आउट ही नहीं हो रहा। नहीं 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 नहीं, ऐसे कैसे आउट होगा मैं। ये देखो गाइस आई थिंक है ना मैंने सारे मुश्किल वाले ऑब्स्टिकल्स तो सॉल्व कर लिए, अभी मुझे सिर्फ एक और चप्पू से बचना है। ये देखो मैंने इसकी बढ़िया सी टाइमिंग कर दी, अब तो है ना मेरे को पक्का पता चल गया कि विंडमिल से बचते कैसे। अरे बाप रे, ओ माय गॉड ये ब्लॉक्स के कारण मेरी गाड़ी उल्टी होने वाली थी पर मैंने गाड़ी को संभाल लिया। कोई बात नहीं यार यहाँ पे देखो अभी थोड़े से और विंडमिल से सिर्फ टाइमिंग करके निकलना है। वो देखो फर्स्ट विंडमिल से तो टाइमिंग करके मैं निकल गया बढ़िया सा जंप लगा के, अब ये सेकंड वाले से भी बचूंगा। और ये देखो गाइस यार मैंने इसको भी है ना टाइमिंग करके क्रॉस कर लिया है। और यहाँ पे मैं फाइनली आ चुका हूँ यहाँ पे रेड वाले रैंप पे। ये रेड वाले रैंप पे से मुझे है ना मेरे ट्रक को फुल स्पीड में भगाना पड़ेगा, जिसके बाद है ना मैं नेक्स्ट स्टेज पे पहुंच जाऊंगा। ये देखो इसको भगाया मैंने। और यहाँ पे तुम्हें क्या लगता है गाइस लैंडिंग कर पाऊंगा ढंग से? ओ माय गॉड गाइस मुझे तो लगता है ढंग से लैंडिंग कर पाऊंगा मैं। ये देखो यहाँ पे लैंड करी और मेरा ट्रक उल्टा हो गया, पर ट्रक उल्टा होते ही मैंने उसको सीधा कर लिया और अभी मैं इसको आगे लेके जा पा रहा हूँ फाइनल पार्ट पे। ये देखो नहीं 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 फ्रैंकलिन गोरिल्ला ग्रॉड को नहीं हरा पाएगा तो फिर भी। अरे देखते ना अभी मैं अपग्रेड हो जाता हूँ फिर तेरे को कैसे नहीं हरा पाऊंगा। ये देखो मैं यहाँ पे बैठा और यहाँ पे बोट पे बैठ चुका हूँ मैं और यहाँ पे है ना फाइनली अग्नि परीक्षा को कंप्लीट करके खुद को अपग्रेड करने वाला। स्ट्रॉन्गेस्ट हो जाएगा और मुझे बचा लेगा। हाँ 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 बिल्कुल बिल्कुल शीहल्क, तुम चिंता मत करो तुम्हें बिल्कुल बचा लूंगा। ये देखो यार जैसे ही मैं फिनिश लाइन को क्रॉस करूंगा ना मैं बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग बन जाऊंगा और है ना गोरिल्ला ग्रॉड को हराने वाली पावर्स को रख लूंगा। ये देखो यार यहाँ पे है ना मैं क्रॉस करके बन चुका हूँ यहाँ पे एक हंटर हल्क। तुम्हें पता है मैं हंटर हल्क क्यों बनाऊ गाइस? क्योंकि है ना मुझे गोरिल्ला ग्रॉड से लड़ाई करनी है और गोरिल्ला ग्रॉड को हराने के लिए मुझे हंटर की पावर चाहिए। गोरिल्ला ग्रॉड एक मंकी है और मेरे पास अभी हंटर हल्क की पावर आ गई तो मैं पक्का उसे हरा दूंगा। गोरिल्ला ग्रॉड इधर आके मेरा सामना कर। तो गाइस देखो मैं यहाँ पे जा रहा हूँ गोरिल्ला ग्रॉड के पास उससे लड़ाई करने। अब देखो यार गोरिल्ला ग्रॉड की शायद से स्ट्रेंथ अभी भी मेरे से ज्यादा होगी। इसके लिए है ना मेरे पास ये जो हंटर हल्क की पावर है इसके कारण है ना देखो मैं बहुत ज्यादा फास्ट हो गया हूँ। तो भले ही अगर गोरिल्ला ग्रॉड है ना मेरे से ज्यादा स्ट्रॉन्ग भी हुआ ना तो वो यार मुझ पर अटैक नहीं कर पाएगा क्योंकि है ना मैं मेरी स्पीड की पावर्स इस्तेमाल करके उसको हरा दूंगा। ये देखो यार गोरिल्ला ग्रॉड यहीं पे कहीं पे था और उसने शीहल को भी यहीं पे कहीं पे पकड़ के रखा है। फ्रैंकलिन मेरे दुश्मन आ गया तू यहाँ पे फाइनली, मुझे लगा नहीं था पर तू फाइनली अपने पूरी स्ट्रॉन्गेस्ट मीटर को फुल करके मेरे पास आ गया है। फ्रैंकलिन फाइनली तुम आ गए मुझे इस गंदे से दानव से बचाने के लिए, इसने देखो मुझे केज में रख रखा है। हाँ 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 शीहल्क तुम चिंता मत करो अभी मैं इसको हरा देने वाला हूँ। वो तो देखते है ना हरा पाते हो कि नहीं। गोरिल्ला ग्रॉड मुझे चैलेंज करने की गलती नहीं करता। ये ले तुझे पंच मारा एक जबरदस्त और ये ले तुझे मैं छोड़ूंगा नहीं। फ्रैंकलिन पहले पकड़ के तो दिखा, ये देख तुझे कूद के पकड़ा तेरी कमर पे हमला किया, ये देख पूरा खून खून से हो भर गया है तू। अरे फ्रैंकलिन तुम क्या गोरिल्ला ग्रॉड को हरा पाओगे? अरे हाँ पक्का हरा दूंगा गाइस। ये देखो यार मैं गोरिल्ला ग्रॉड से थोड़ा ज्यादा फास्ट हूँ। अरे पर ये देखो सच्ची में बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, इसको हराना इतना आसान नहीं होगा। ये देखो इसका अटैक आ रहा है, इसको डॉच करना पड़ेगा। अभी देखो गाइस मेरी पावर्स का एक अच्छा फायदा है कि मैं टाइम को स्लो कर सकता हूँ, पर उसके बाद भी गोरिल्ला ग्रॉड के रिएक्शन बहुत अच्छे। मुझे यहाँ से दूर भागना पड़ेगा। यार इससे तो मुझे पकड़ के मार दिया। रुको यार मेरे पास एक अच्छा अटैक है, वो अच्छा अटैक मैं इस पे करने की ट्राई करता हूँ। अरे
बाप रे कितनी धोती धो रहा है मेरी ये तो। अरे छोड़ दे ही देख कितना ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट हो गया, फिर भी मैं तुझे कितनी आसानी से मार पा रहा हूँ। अरे नहीं मारने दूंगा मैं तुझे। कांगे यार मेरी पावर्स, ये देखो यार मशीन पंच मैंने सिलेक्ट कर रखा है, ये देखो इसको एक मशीन पंच मारूंगा ना अभी ये मर जाएगा। नहीं एक से तो कुछ नहीं होगा, एक से तो बहुत ज्यादा मारने पड़ेंगे। आउच गाइस, ये देखो जैसे मैं इस पर अटैक करना चालू करता हूँ ना, ये वैसे यार मेरे पे हमला करना चालू कर देता है। पर कोई बात नहीं, ओ माय गॉड गाइस ये देखो मैंने इस पे मशीन पंचेस डालने चालू कर दिए, मैं इसके ऊपर हजारों पंच एक साथ मार रहा हूँ तो ये पूरा गोरिल्ला ग्रॉड का आर्मर टूट जाएगा। ये क्या कर रहा है फ्रैंकलिन, इतनी स्पीड कैसे आ गई तेरे में? नहीं आ सकती। अरे आ सकती है मैं एक हंटर हल्क हूँ, हंटर हल्क का काम ही होता है गोरिल्ला ग्रॉड को मारना, इसके लिए मैं तुझे मार दूंगा। Franklin, you can do it. नहीं कर पाएगा, ये ले मारूंगा मैं तुझे। अरे गाइस देखो अभी वो वाला अटैक तो मेरा काम नहीं कर रहा, रुको यार देखो एक चीज कर सकता हूँ मैं, है ना उसके ऊपर है ना ये जबरदस्त लाइटनिंग से अटैक कर सकता हूँ। अरे बाप रे ये देखो इसने मुझे दूर भी थोड़ा फेंक दिया है, इसके लिए मैं अपनी पावर का इस्तेमाल करूंगा। और ये देखो ये मेरे पर कूद के हमला करने आ रहा था ना, उतने में मैंने इसके ऊपर लाइटनिंग फेंक दी, एक और लाइटनिंग फेंक दी। दूर से तो बुद्धि लोग लड़ाई करते। अरे नहीं हंटर हल्क की स्पेशल पावर है यार दूर से लाइटनिंग फेंकने के, जिससे गोरिल्ला ग्रॉड को है ना मैं टारगेट कर सकूं। ये देखो नहीं तेरी पावर कुछ काम नहीं आएगी। अरे आएगी। ओ बाप रे फिर से देखो यार ये जंप करके मेरे पर अटैक करने वाला है। अरे लाइटनिंग मारनी पड़ेगी इस पे। नहीं मार पाया, बहुत ज्यादा दूर फेंक रहा था ये। रुक जाओ, ये लाइटनिंग का हमला था बीच एयर में से, देखो मैंने इसको यहाँ पे नीचे गिरा दिया। अभी जैसे ये खड़ा होगा ना वापस से मेरे को इसको एक और लाइटनिंग मारनी पड़ेगी। ये देखो ये लाइटनिंग मारी और ये रहा। गाइस आई थिंक यार ये मेरी लाइटनिंग की पावर से स्टन हो चुका है। हां फ्रैंकलिन ये स्टन हो चुका है, इसको फिनिश कर दो। हां गाइस ये देखो यार मेरा है नेक ब्रेक वाला अटैक अभी मुझे इस पे करना पड़ेगा। ओ माय गॉड यार ये देखो ये मैंने गोरिल्ला ग्रॉड को पकड़ा और इसकी मुंडी तोड़ने की कोशिश कर रहा हूं मैं। नहीं टूटेगी, मैंने हेलमेट पहन रखा है। अरे तेरे हेलमेट पे मैंने बहुत ज्यादा अटैक करे वो टूट जाएगा। ये देखो यार एक बार तो इसकी मुंडी को छोड़ूंगा नहीं। ये ले। ओह माय गॉड गाइस क्या मैंने कर दिया। हां गाइस ये देखो यार मेरा स्ट्रांगेस्ट मीटर मैंने भर लिया तुम सब लोगों की मदद के कारण। और उसके बाद देखो यार यहां पे इतनी खतरनाक गोरिल्ला ग्रॉड के साथ मैं हंटर हल्क बनके मैंने लड़ाई करी और फाइनली यार मैंने यहां पर है ना शी हल्क को यहां पे उसके केज से बचा लिया। कहां हो शी हल्क यार, ये रही जल्दी से यार तुम्हें यहां से बाहर निकालना है। तो गाइस ये देखो यार ये शी हल्क को मैंने ना उसका केज तोड़ के बचा लिया और गोरिल्ला ग्रॉड को भी ठिकाने लगा दिया। तो गाइस देखो मैं तो बन चुका हूं स्ट्रांगेस्ट यार शी हल्क के लिए, अब तुम भी स्ट्रांगेस्ट बन जाओ। जल्दी से वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो और यार कमेंट सेक्शन में है ना खाने की चीज की इमोजी अभी तक भी नहीं डाली तो क्या कर रहे हो दोस्त, डाल दो जल्दी से। और देखो स्क्रीन पे वीडियो आ रहा है, उन दोनों वीडियो में से एक वीडियो देख लो, दोनों वीडियो बहुत अच्छे। तो चलो मैं और शी हल्क मिलेंगे तुम्हें GT5 के अगले एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय।